Hi everyone, welcome you all in Mathav Accountancy classes. Guys, last lecture में हमने आप लोगों से बहुत important चीजों के बारे में discuss किया था. हमने discuss किया था किस तरीके से partners capital account prepare किया जाता है. अगर capital fix है तो कैसे करेंगे, अगर fluctuating है कैसे करेंगे, अगर कुछ भी नहीं बोला गया तो कैसे किया जाएगा. और as well as हमने और भी बातें की, हमने सैलरी की बातें की, हमने कमीशन की बातें की. तो हमने लास्ट लेक्चर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों से डिस्कस की थी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और आज भी अगेन गाइस, हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं, बहुत अच्छा लेक्चर लेकर आए हैं. इसके अंदर आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपसे डिस्कस करने वाले हैं. डेफिनेटली ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है आपके इस चैप्टर के अंदर. तो आज का लेक्चर आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, एंड तक जरूर देखना है. और एंड में गाइज हम आपसे क्वेश्चन भी पुट करेंगे. अगर आपको लेक्चर आपने पूरा सुना होगा तो आप उस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में जरूर देना है. तो चलिए गाइज आज की वीडियो को हम स्टार्ट कर रहे हैं विद आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन. यस गाइज, आज का जो पहला टॉपिक हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है गाइस इंटरेस्ट ऑन लोन. देखिए गाइस, इंटरेस्ट ऑन लोन होता क्या है. पहली बात, पार्टनर ने फर्म को क्या दिया है, लोन दिया है. ठीक है, पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो क्या बोला जाता है कि उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देगी फर्म, या तो जो डीड के अंदर मेंशन होगा वैसे दिया जाएगा, या अगर डीड में मेंशन नहीं है तो हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं. और उसमें बोला गया है कि 6% पर एनम का क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा. तो इसका मतलब अगर डीड में कुछ नहीं बोला गया तो भी 6% पर एनम का इंटरेस्ट किसको, पार्टनर को दिया जाएगा. यह बात ध्यान रखना, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है तब की बात कर रहा हूं. तो बात आती है कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी. देखिए गाइस, ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस. तो एंट्री वुड बी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट कर दिया. अब ये कैपिटल में नहीं जाएगा, ये पार्टनर के लोन में जाएगा. टू में क्या होगा, पार्टनर्स लोन. ये बात आपको ध्यान रखनी है गाइस. बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको कैपिटल में क्रेडिट करते हैं लोन की बजाय, जो कि गलत हो जाएगा. क्योंकि मान लीजिए फर्म को पैसों की जरूरत है, फर्म पैसा कब ले रही है पार्टनर से, जब जरूरत होगी. ऐसा थोड़ी है बिना जरूरत पैसे ले लेगी, नहीं लेगी, जरूरत है. अगर पार्टनर पैसा ना देते तो फर्म को बाहर से लेना पड़ता, और क्या बाहर वाले बंदे को इंटरेस्ट देना पड़ता या नहीं देना पड़ता, या हम कहते भैया हमें प्रॉफिट होगा तब देंगे अदरवाइज नहीं देंगे, वो कहेगा भाई मैं पैसा नहीं दूंगा फिर, है ना. तो हमें अगर पार्टनर ने पैसा दे दिया तो क्या पार्टनर ने गुनाह कर दिया, नहीं किया, तो उसको भी हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना ही देना पड़ेगा, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहे हैं चाहे लॉस हो रहे हैं. इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोला जाता है, कि आपको देना ही देना पड़ेगा. और अगर हमने इसको कैपिटल में डाल दिया तो कैपिटल क्या होती है, मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो लेकिन ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. और हमने ये उसका भी इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पे नहीं किया है तो उसको कैपिटल में डालने की बजाय हम इसको पार्टनर्स लोन में डालते हैं. क्यों, क्योंकि पार्टनर्स लोन पहले पे ऑफ होता है और पार्टनर्स कैपिटल बाद में पे ऑफ होती है. तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, पार्टनर्स कैपिटल में इसको डालना नहीं है. पहली बात ये एक्सपेंस है, डेबिट किया. दूसरी बात, इसको पार्टनर्स लोन में डाला अगर पे नहीं किया है ये अमाउंट, उसके बाद ये खर्चा है, ये नॉमिनल अकाउंट है. इसको हम क्या करेंगे, बंद करेंगे तो कहां दिखाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन में नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो टू में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन. तो ये हमारी क्या होती है, जर्नल एंट्री. ठीक है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखनी है कि इसको किस तरीके से बुक्स के अंदर दिखाया जाता है. ये तो हुआ अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया. अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, अगर फर्म ने किसको दिया हुआ है, पार्टनर को दिया हुआ है. ठीक है, पार्टनर को पैसों की जरूरत है, पार्टनर कहता है कि मैं, मेरे को पैसों की जरूरत है, फर्म मुझे लोन दे दे. फर्म ने क्या किया, उसको 10 लाख रुपीज का क्या दे दिया, लोन दे दिया. अब बात आई उसके इंटरेस्ट की, अगर डीड में मेंशन होगा जो रेट, उस रेट से फर्म क्या लेगी, उससे इंटरेस्ट लेगी. किससे लेगी, पार्टनर से. ठीक है, जिस रेट, जो डीड के अंदर मेंशन होगा रेट, उस रेट से लिया जाएगा फर्म के द्वारा, पार्टनर से. लेकिन अगर डीड के अंदर मेंशन नहीं है तो क्या फॉलो होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. और इसके बारे में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कुछ भी बोलता नहीं है. तो इसका मतलब अगर डीड में कुछ नहीं बोला गया है ध्यान से, तो कोई भी इंटरेस्ट पार्टनर से लिया नहीं जाएगा. ये बात आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट लिया जा रहा है तो फर्म के लिए क्या होगी, इनकम.
ठीक है, तो टू में क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर फर्म के लिए इनकम है, और दूसरा ये उसकी कैपिटल को कम किया जाएगा, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल, अगर फिक्स है तो करंट आएगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, या अगर क्या है फिक्स कैपिटल तो यहां पर होगा करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है गाइस। और उसके बाद गाइस ये कौन सा अकाउंट है नॉमिनल, इसको बंद किया जाएगा, तो यहां पर दूसरी एंट्री जो होगी इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर टू में कहां दिखाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में इसको क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा। तो ये हमने दो टॉपिक पढ़े, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, दूसरा फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। तो देखिए यहां पर हमारे पास दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर, ठीक है, ये मैंने करवा दिया, और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन किसने दिया है, पार्टनर ने फर्म को दिया उसके ऊपर इंटरेस्ट, ये दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर, रेंट अगर पे किया है पे कर दिया और पेबल, देखिएगा ये भी बहुत जबरदस्त टॉपिक है, जो अभी हमने दो किया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो मैं अब करवाने वाला हूं रेंट वाला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए रेंट अगर हमने क्या किया है पे, रेंट पेड और पेबल, ये बेसिकली टॉपिक क्या है, फर्म को जगह की जरूरत है, फर्म को जगह चाहिए क्योंकि उसको बिजनेस ऑपरेट करना है, उसको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, और आपके पास, आप पार्टनर हो, आपके पास जगह पड़ी हुई है, ठीक है, आप रेंट पे देना चाहते हो, आप रेंट, आप चाहते हो मुझे उस जगह का रेंट मिल जाए, अब फर्म को जरूरत है तो आप फर्म को कहते हो मेरी जगह पड़ी हुई है आप उस पर काम कर लीजिए, लेकिन आप कहते हो मुझे रेंट मिलना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर फर्म आपको आपकी जगह ना लेती तो कोई और लेता, तो वो पर्सन भी आपको क्या देता, रेंट देता, देता या नहीं देता, बिल्कुल देता, और फर्म भी अगर किसी और से रेंट पर लेती क्या उसका देना पड़ता या नहीं देना पड़ता, बिल्कुल देना पड़ता, तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो उसे आपका भी जो आपको रेंट दिया जाएगा वो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह क्या किया जाएगा, ट्रेड किया जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या एंट्री होगी, रेंट फर्म के लिए क्या होगा, आपको दे रही है खर्चा होगा, तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, पहली बात खर्चा है डेबिट किया, अगर पे कर दिया कैश, अगर पे नहीं किया दैट इज आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी, कैपिटल में नहीं जाएगा, अगेन जैसा मैंने लोन में बताया, अगर कैपिटल में डाल दिया तो कैपिटल सबसे लास्ट में पे ऑफ होती है, इसको एज अ आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे, इसीलिए हमने इसको आउटस्टैंडिंग रेंट में डाला अगर पे नहीं हुआ है, और रेंट अगेन क्या है खर्चा, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा, एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि ये क्या है गाइस, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखिए यहां पर यही बात बोली गई है, रेंट पे किया है, रेंट टू कैश और बैंक, ठीक है गाइस, और अगर हमने पे नहीं किया, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, फिर हमने इसको क्लोज कर दिया, इसको कैपिटल में दिखाया नहीं जाता है, ठीक है गाइस। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हेन अप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट और इन केस ऑफ अ लॉस टू द फर्म। पहले हम इस टॉपिक को लेते हैं, अगर फर्म को लॉस हो रहा है, फर्म को नुकसान हो रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर अगर हमारी फर्म को नुकसान हो रहा है तो उस केस में क्या है, देखिए गाइस अगर लॉस हो रहा है, ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है, गाइस ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है, और दूसरा अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, ठीक है, पहले मैं बात कर रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है और लॉस हो रहा है, तो लॉस के केस में अगर सैलरी है, पार्टनर को कमीशन देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो कुछ भी दिया नहीं जाएगा, हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाएंगे ही नहीं, हम क्या करेंगे, जो हमारा क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, मान लीजिए यहां पर हमारी रिवेन्यू आ रहे हैं 20 लाख, हमारे एक्सपेंस आ रहे हैं 25 लाख, तो हमें कितने का लॉस हो रहा है, 5 लाख, हम प्रॉफिट एंड लॉस में ही इस लॉस को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, हम अप्रोप्रिएशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि अप्रोप्रिएशन यूजली कब बनाया जाता है, प्रॉफिट्स को बांटने के लिए, जब प्रॉफिट ही नहीं हुए तो बटेगा नहीं, तो अप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, तो हम यहां क्या करेंगे, देखो ध्यान से, बाय लॉस ट्रांसफर टू किसमें, एज कैपिटल या करंट भी हो सकता है, अगर फिक्स है बीस कैपिटल या करंट, ठीक है, उनमें क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा, और इसको आउटर कॉलम में, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, देखो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, उनकी कैपिटल कम हो जाएगी, तो एंट्री वुड बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट या करंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, अगर क्या है फिक्स
20 कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, 2 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यस गाइस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा क्योंकि हमने इसको एप्रोप्रिएशन में डिवाइड किया नहीं है। ठीक है गाइस, इसके बाद ये तो हुआ अगर क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है। अगर आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है, फर्म के लिए इनकम है। मान लीजिए लॉस कितना हो रहा है, मैं यहीं पर बात करूं, लॉस कितना हो रहा है, दैट इज 5 लाख। ठीक है, ये लॉस हो गया 5 लाख और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 20,000, ये फर्म के लिए इनकम है। क्या इससे लॉस कम होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 20,000 से कम होगा तो लॉस रह जाएगा 480। तो इस केस में क्या करेंगे? देखिए गाइस, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, लेट्स सपोज ये हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, हम जो हमारा 5 लाख का लॉस हुआ है इसको हम यहां डिवाइड नहीं करेंगे, अब इसको एप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे क्योंकि इनकम आ रही है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, उससे हमारे लॉसेस कम हो जाएंगे। तो इस लॉस को बाय लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें हम ट्रांसफर कर देंगे तो दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 5 लाख। ठीक है गाइस, ये हो गया। और इसकी एंट्री क्या हुई गाइस, बहुत ध्यान से, इसकी एंट्री क्या हुई लॉस को ट्रांसफर करने की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे, देखिए मैं यहां पर बना रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, डेबिट क्रेडिट आप लिख लेना गाइस। तो यहां पर टू में क्या आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आ जाएगा, दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 5 लाख। और अब हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 20,000, तो बाय में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, 20,000 यहां पर हमारा शो कर दिया जाएगा, जिस जिस पार्टनर से वो हो जाएगा। इसके बाद अब इस लॉस को डिवाइड किया जाएगा बाय लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल या करंट, जो भी केस है, बीस कैपिटल और करंट, ये हम डिवाइड करेंगे और फिर हम इसको क्लोज करेंगे गाइस। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर लॉस होता है तो इस तरीके से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। आई होप ये वाले टॉपिक्स आपको क्लियर हुए होंगे। तो आज के जो क्वेश्चन है, क्योंकि आज हम यहीं तक करने वाले हैं, तो आज के जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रेंट है, पहला क्वेश्चन, जो रेंट है वो फर्म के लिए क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, और वो कहां दिखाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या एप्रोप्रिएशन में। पहला क्वेश्चन ये है, तो आपको ये बताना है इसको कहां दिखाया जाएगा और ये क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज जो अभी हमने करवाया लॉस के केस में, क्या लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है या नहीं बनता है, अगर बनता है तो किस केस में बनता है, दैट इज योर सेकंड क्वेश्चन। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन के आपके आंसर आपको कमेंट में जरूर देने हैं ताकि हमें पता चले आपको कितने अच्छे से चीजें क्लियर हो रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा आप सभी अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए और लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।